that little mouse, cause I'm an albatross. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं रोप फ्रॉग निंजा हीरो। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने पुलिस से रिवेंज लिया था, और उस रिवेंज में भाई साहब बहुत सारे लाइक्स आ गए थे और वीडियो मतलब आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया इस वीडियो पर। तो गाइस आप लोगों ने काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट भी किया कि हाँ भाई रिवेंज लो, और अगर रिवेंज लो तो भाई हेलीकॉप्टर से लेना, बिकॉज हेलीकॉप्टर बहुत बेस्ट है। और हम अभी तक ज़मीन से मतलब पैदल पैदल भी हमने रिवेंज लिया, और टैंक से भी रिवेंज ले रखा है, तीन टैंक या फिर दो टैंक से रिवेंज ले रखा है, और भाई काफ़ी सारी चीज़ों से हमने रिवेंज ले रखा है। बट अभी तक हमने एयर रिवेंज नहीं लिया, तो गाइज आज एयर रिवेंज हम लेंगे पुलिस से। तो गाइज मैं मुझे पता है कि वीडियोज़ काफ़ी लेट आई है, मतलब ये वाली वीडियो काफ़ी लेट आई है इस बार, बिकॉज यार कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब एक तो नेटवर्क सही नहीं आ रहा था, और ऊपर से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी गाइज। तो वेल अब से एकदम प्रॉपर टाइम पे आएंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से रिवेंज शुरू करते हैं अपना, बिकॉज मैं हेलीकॉप्टर ऑलरेडी ले आया हूँ। और आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे सोच रहे हैं कि आज मैं इस घर में क्यों, भाई यार सब घर अपने हैं तो भाई हम अपने घर में होंगे नहीं तो और कहाँ बैठेंगे भाई। ओ नहीं, मैं इसमें बैठ जाता हूँ गाइस, तो ब्लैक होल गलती से क्रिएट हो गया गाइस, वो मैंने नहीं किया, मतलब हुआ ही मुझसे। एक सेकेंड, वो वाला किसका यार ये एक सेकेंड मुझे एक बात समझ में नहीं आई गाइस, ओपन कौन सा ओपन होगा, क्या ये हमारे हैं। एक सेकेंड यार, ओपन कौन सा गैराज ओपन होगा गाइस, आप लोग मुझे बताइए यार ये क्या है यार, मतलब यहाँ पे स्लॉट सारे, और अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए छोड़िए गाइस, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, और जल्दी से चलते अब रिवेंज लेने। तो भाई देखो, लास्ट टाइम हमने जब रिवेंज लिया था तो एक गड़बड़ हुई थी कि हमारे टैंक में आग लग गई थी, बिकॉज वो टैंक जो है थोड़ा कमज़ोर टाइप था, वो इतना मजबूत नहीं था, पॉइजन टैंक था तो इतना मजबूत होता भी नहीं भाई। और हमारे पास ओ भाई ये लेज़र है, ओ भाई साहब सही से गोलियों से तो 10 गुना ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है, लेज़र लग भी नहीं रही है और बैठ रही है। तो क्या गाइस आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे ज़मीन पर देख सकते, क्या यार तो भाई मचा डाली, ये लो सब के सब खाओ, सबके लिए भाई एकदम फ्री में प्रसाद बट रहा है भाई, ले लो सब आओ जल्दी पुलिस वालो, ये लो अरे भाई, ओ भाई सब, अभी ये क्या है, एक सेकेंड हवा में, ओ भाई ये तो बहुत खतरनाक है यार ये लेज़र के, वाह यार ये लेज़र बहुत एकदम परफेक्ट लगी मुझे लेज़र गाइस। अगर आप लोग पुलिस से रिवेंज लेना है तो भाई ऐसे ही लेना। और गाइज मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लेट आई है यार ये वाली, तो बुरा मत मानना गाइज, बिकॉज आती हैं यार ऐसा तो हो जाता है यार, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो इस वजह से यार लेट आई है, लेकिन अब से एकदम परफेक्ट टाइम पे आएगी। तो हमने आज तक पुलिस के, ओ भाई वो रुक जा तुझे मैं बताऊँगा, चल आ जा, ओ भाई रुक जा यार, अबे मर जा ना, ओके चला जा, आ यार ये मरता क्यों नहीं है, ओके गया। देख भाई तुम हो कमज़ोर बंदे, पुलिस न्यूट्रल के सामने नहीं टिक सकती। और गाइस आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे बोल लेते हैं कि रिवेंज लो और दिखा दो पुलिस को कि हाँ न्यूट्रल भी कम नहीं है, और भाई तो देखो आज पुलिस की धज्जे उड़ा डालेंगे हम लोग। ये देखो नीचे पुलिस को, वो भाग रहा है, भाग कहाँ भागेगा। ओके तो गाइस जल्दी जल्दी मैं इन्हें ख़त्म करता हूँ, और जल्दी से फिर लेते हैं अपना असली रिवेंज, जो भी होगा शायद टैंक से होगा, या आज मुझे नहीं पता, या तो टैंक से लड़ाई होगी या फिर होगी रोबोट से, मुझे नहीं पता किसी से भी। ओवल हमें जीतने से मतलब है, बिकॉज गाइस लास्ट टाइम पुलिस वाले हमें बहुत मतलब बुरे तरीके से पकड़ के ले गए थे यार, वो सही नहीं किया था पुलिस वाले ने हमारे साथ, हमें धोखे से पकड़ा था, अगर चलो सामने से पकड़ते तो बात अच्छी थी, और एक साथ काफ़ी सारे पुलिस वाले थे तो मैं अकेला कर भी नहीं सकता था कुछ, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल अकेला कुछ नहीं कर सकता था भाई। एक गाइस मुझे एक कब्रिस्तान का ये बताना कि आखिर इसमें होता क्या है भाई। तो चलिए वो यार पेड़ में टक गया, अबे न्यूट्रल तू कदा है क्या यार, ये चलाता भी नहीं, इससे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, इसके हाथ में किसने दे दिया हेलीकॉप्टर भाई, देखो रोड को कैसे फाड़ दे रही है ये मिसाइल, नहीं मिसाइल नहीं है वैसे, ये है सिंपल सा एक लेज़र है शायद। तो चलिए गाइस अब जल्दी से रिवेंज लेते हैं पुलिस से, बिकॉज यार पुलिस ने हमारे साथ बहुत एक धोखा कर दिया था। पहले तो टीम बना ली कि भाई हाँ चलो हम तुम्हारे लिए
तुम हमारे लिए काम कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और उसके बाद पुलिस ने काम तो करवाया, और जब मैंने उनसे मदद मांगी ना, मतलब न्यूट्रल ने, तो भाई ये गड़बड़ हो गई। पुलिस ने कहा हम तुम्हारी मदद क्यों करें, तो भाई मुझे आ गया गुस्सा, हमने लिया अपना रिवेंज। तो भाई हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें, मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं। तो भाई बस उस टाइम के बाद से आज हम अपना बदला ले रहे हैं गाइस। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यार बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। और एक तो ये लेज़र जो है ना यार, ये रोड फाड़ देती है, मतलब रोड को भी पाड़ के जा रही है। ओ भाई ये क्या था, क्या ये पुलिस वाले हेलीकॉप्टर लेज़र छोड़ते हैं सच में? लेज़र नहीं मतलब रॉकेट लॉन्चर। ओके ये लेज़र छोड़ रहा है। तूने मारा कैसे, कैसे मारा तूने, तू बच जाएगा, तूने क्या सोचा? ए पुलिस वालों, तुमको पता नहीं है कि इस शहर का अंडरवर्ल्ड माफिया न्यूट्रल है? तुम लोग क्या सोचते थे कि न्यूट्रल कुछ भी नहीं है? तो तुम सब गलत थे। तो गाइस देखे मैं, मतलब मस्ती सी हो रही है भाई गेम में। और बस तो गाइस चले चले चले, जल्दी मर जा, देखते डंपर ट्रक कब तक हमारी लेज़र सहता है भाई। एक टाइम ऐसा आएगा कि जाएगा, फट जाएगा शायद मेरे हिसाब से। अब गया ये, ओके वो रहा इसका बंदा। यार ये 5 स्टार हो ही नहीं रहे ताकि हम मतलब अच्छे से रिवेंज ले पाए। तो गाइस मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे मारता हूँ थोड़ी सी, बिकॉज ये काफ़ी स्पीड में। तो मुझे ओके गया, ओके गाइस तो देखो रिवेंज के लिए चलो इसे हम बस लेज़र लेज़र से मारते। चलो थोड़ा सा नीचे उतार लिया भाई, ए एम करना ये। ओके गाइस देखो मैंने उसका धूल उड़ा दिया भाई सब। ओ या गाइस अब देखो, आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे सोच रहे होंगे कि भाई ये मतलब हो क्या रहा है आखिर। तो भाई देखो मतलब, अब देखो ये टैंक जो है ना ऊपर नहीं मार सकता, और हम हैं भाई ऐसे कि हम मार सकते हैं, हम कितनी भी रेंज हो हम इजीली मार सकते हैं भाई। तो अब ये पुलिस वालों की खैर नहीं, सब के सब जाएंगे, इनका सबसे पहले टैंक उड़ा देना मेरे को। चलो अब बारी है अपने रॉकेट्स की, देखते हैं कितने रॉकेट झेल पाता है ये टैंक इनका। गया तो भाई सब, क्या तबाही मचा दिया न्यूट्रल ने, अकेले बंदे ने इनकी धज्जा उड़ा डालिया। देखो इनके इसका इसका ये देखो भाई तुम गाइस, ये देखो बस इसके हिस्सों का क्या बिखेर दिया भाई न्यूट्रल ने। एक सेकेंड ब्रोदर, नहीं ब्रो ब्रो नहीं ब्रो ब्रो प्लीज चला जा। तो गाइस अगर आपसे भी ऐसा होता है तो जरूर बताना कि भाई मतलब पहले तो न्यूट्रल ऊपर चढ़ गया उसके, और उसके बाद तुरंत से लेजर मार के उसे भून डाला। और गाइस ये सबसे बेस्ट ट्रिक लगी मुझे पुलिस से बदला लेने की, मतलब पहले तो करो भाई क्या लड़ो उनसे, और पुलिस से लड़ने के बाद तुरंत लेजर का बटन दबा दो, और बस उसके बाद जो तबाही मचने वाली है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल होगी। तो गाइस हमने अब हेलीकॉप्टर से रिवेंज ले लिया है, इट्स टाइम टू ब्रिंग टैंक। ओके तो गाइस मैं टैंक लेकर आता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखना, और मैं यहाँ से वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वाह भाई सब क्या था ये गाइस, आपको वीडियो रिवाइंड करके देखनी होगी। मतलब यार मैं तो बस सिंपली लेजर मार रहा था, एकदम से वो गाड़ी उड़ी और आसमान की ऊंचाइयाँ छू दी उसने। एक सेकेंड उड़ जा उड़ जा। तो गाइस ये नहीं उड़ रही है, मना कर रही है कि मैं नहीं उड़ने की, भाई तुम बहुत बुरा मारते। तो भाई चलिए मैं जल्दी से हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और साथ में वीडियो को शेयर कर देना हर जगह पे, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ओके गाइस मैं लेकर आता हूँ। तो ओके गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई एक बंदे ने बोला कि तुम यार अपना टैंक जो है इसमें स्टोर करके दिखाओ भाई अपने गैराज में। तो भाई देखो मैं आपको अपना टैंक दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है भाई, देखो यार tank.bt_01। तो भाई देखो ये आ गया मेरा टैंक। तो भाई चैलेंज कंप्लीट हो गया, आप लोग भी गाइस में चैलेंज दे सकते हो, बस यार क्या है ना हेलीकॉप्टर स्टोर नहीं होता है। तो भाई चलिए, और गाइस अब देखो मेरा जो सेकंड इसी पार्ट में जो रिवेंज होने वाला है वो है टैंक प्लस हेलीकॉप्टर से। तो भाई जल्दी से मैं अपने 5 स्टार कराता हूँ और सीधा दिखाता हूँ आपको कि हुआ आखिर था क्या। तो भाई चलिए जल्दी से अब हम मारते हैं बंदो हो इन्हें, आज अपनी दिखा देंगे कि हम क्या मतलब हम क्या नहीं क्या कुछ नहीं कर सकते। तो भाई चलिए देखते हैं कहाँ है बंदे। ओ भाई ओ भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, किधर किधर सब के सब कहाँ हो यार। तो ओके गाइस मैं ढूंढता हूँ जल्दी से, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, और हाँ लाइक बिल्कुल करना मत भूलना यार।
आप लोग लाइक नहीं करते हो, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं भाई। लाइक कंप्लीट कराया करो यार, लाइक करा करो वीडियो को भाई, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा तो भाई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खुश रहेंगे और वो मतलब उनका मन लगा रहेगा बस। और भाई ये देखो, इसको देखो क्या नशे में है भाई, तू तेरे को दिख नहीं रहा इतना बड़ा टैंक है, तेरे पिस्टल से कुछ नहीं होने का इस टैंक पर। तो ओके गाइज, मैं आप लोग को दिखाता हूँ आगे। ओके गाइज, एज यू कैन सी मेरा 5 स्टार हो गया और सामने एक ही आ गया भाई। मतलब यार मैच से लड़ाई होती है पहली बार, और टैंक वर्सेस मैक में कौन जीतता है गाइज, आप जल्दी से अभी कमेंट करके बताइए। वीडियो को पूरा मत देख के मत करना कमेंट क्या भाई ये जीतेगा, तो भाई वीडियो को पूरा मत देख के करना कमेंट, अभी बता दो कि कौन जीत सकता है हम में से, मैं या ये टैंक। चलो गाइज देखते हैं कि आखिर कौन जीतता है। वेल, उम्मीद तो यही है कि हम ही जीते, बिकॉज यार मैं नहीं चाहता कि यार ये पुलिस वाले मुझे दोबारा से हरा डाले। ये ले भाई साहब, मतलब ऊपर चढ़ा दिए इसके और कुछ भी नहीं तो। ओ भाई मतलब यार स्कैम हो गया बेचारे बंदे के साथ भाई, सीधा ऊपर चढ़ा दिया मैक के और भाई मैक फूट गया। तो भाई आप लोग भी ऐसे ही करना। और गाइस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या वीडियोस के बिहाइंड द सीन चाहिए, मतलब जैसे कुछ वीडियोस ऐसी होती है कि भाई वो मतलब बनानी पड़ते हैं ये गेम, क्योंकि इसमें हम कुछ भी ये गेम स्टोरी टाइप नहीं है ना, तो गाइस इस वजह से हमें काफ़ी सारे सीन्स ऐसे होते हैं इस वीडियो में कि हमें बनाने पड़ते हैं। तो गाइस इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि क्या आप लोगों को वीडियोस के बिहाइंड द सीन चाहिए, मतलब जब मैं वीडियो शूट करता हूँ ना तो क्या होता है भाई, इस गेम में स्टोरी मोड तो है नहीं, तो इस वजह से मुझे अपनी तरफ से बनानी पड़ती है कहानी, और उस वजह से तो भाई काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं इस वजह से पूछ रहा था कि आप लोगों को क्या बिहाइंड द सीन चाहिए, अगर आप लोग को बिहाइंड द सीन चाहिए वीडियो के तो कमेंट में #behindthescene डाल के #behindthescene डाल देना। तो गाइज मैं आप लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, लाइक एम है पूरे 350 लाइक कंप्लीट करा देना, ये मेरा बिगेस्ट लाइक एम है फर्स्ट टाइम में भाई, मतलब पहली बार इतना बड़ा एम रख रहा हूँ। तो भाई मैं आप लोग को दोबारा से बता दे रहा हूँ कि कैसे टैंक स्टोर कराना है, सीधा लाना है यहाँ पे खड़ा कर देना है, और आप लोग मतलब मुझे पता है कि ऐसे करके हम उतर जाते हैं इस पे से ऊपर करके। और तो चलिए गाइस मैं आप लोग को स्टोर करा के दिखा देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मैंने टैंक स्टोर करा दे तो आपको वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, तो करनी है भाई जल्दी जाकर लाइक का बटन दबाओ, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आप लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।